नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 और 1 और 2 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च माह के आखिरी दिन और अप्रैल माह के पहले दो दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होने वाली है और इनका प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे, कौन से कार्य यश में आपके बनने वाले हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंतिम चरण में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें करके आपने जो बहुत ही लाभ कमाने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इंद्रों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, मार्च माह के आखिरी दिन 31 मार्च की बात करें तो बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और स्वाति नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की अगर आप बात करें तो दोस्तों, ये दिन वज्र नाम का योग रहने वाले हैं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12:31 से लेकर दोपहर के 2:03 तक। दोस्तों, ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को ना करें और चंद्रमा तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, 1 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों गुरुवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और विशाखा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों, महीने के प्रारंभ में ही शुभाशी दिन नाम का शुभ योग आपकी राशि के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं और राहु काल का समय दोपहर के 2:02 से लेकर शाम के 3:34 रहेगा। चंद्रमा दिन वृश्चिक राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, 2 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, पंचमी तिथि रहेगी और ज्येष्ठा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो व्यातिपात नाम के योग इस दिन रहने वाले हैं और इसके उपरांत वरियान नाम की भी योग रहेगा जो कि बहुत ही उत्तम होंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:58 से लेकर दोपहर के 12:30 रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि के उपरांत धनु में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों की ये जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा के बड़े परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ठीक रहेगा। जीवन साथी का यह समय आपको सहयोग मिलेगा। जो दोस्तों, इन दिनों में दिन आपके लिए मनोरंजन तथा घूमने फिरने का समय में आप इन दिनों को व्यतीत करेंगे। कारोबार के सिलसिले में यह समय आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो मित्रों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोस्तों, यह समय वाणी पर आप संयम रखें, मन अशांत रहेगा, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, बाहर की यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, यह समय आर्थिक लाभ के लिए जो है किए गए प्रयासों में भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आप यह समय सावधान भी रहें। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होगा आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा समय होगा, जो आपके लिए काफ़ी परेशानी भरा भी समय हो सकता है। दोस्तों, आप समस्याओं को सकारात्मक तरीके से अपने ऊपर लें, इसमें आपकी जो है सफलता के कुछ सूत्र छिपे हुए हो सकते हैं। यह आपके लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। आप चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। नए लोगों से यह समय जो है मुलाकात होने की आसार हैं, जिनके साथ आप नए रिश्ते का आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो है यश में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए नए जॉब ऑफर्स या फिर बिजनेस में कुछ नए कॉन्टैक्ट होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इन दिनों में व्यवसाय के लिए कामकाज के क्षेत्रों में एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आपको भारी धन लाभ भी होगा। इसलिए दोस्तों, आप जो है सांस भरे कदमों के साथ आगे बढ़ें और कोई भी कार्य को सफल बनाने की आप यश में कोशिश करते रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए जो है मेहनत करने का दिन होगा और उनसे आप सफलता प्राप्त करेंगे और यह समय आपको आर्थिक इनसे लाभ भी होगा। वही दोस्तों, यह समय इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में प्रेम संबंधों को लेकर स्थितियाँ जो है अनुकूल रहेंगी। यदि आप किसी से प्यार भी करते हैं तो दोस्तों उसका साथ आपको यह समय मिल सकता है। आपके प्रेमीजन से जो है यह समय आपके कामकाज के क्षेत्रों में भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी जो है अच्छी उन्नति हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में आपको कुछ रिश्तों में समस्याएं भी आ सकती है और दूसरों की जो है बात में आकर आप यह समय कोई भी जो है फैसला न लें, किसी पर भी यह समय शक ना करें।
इन सभी से यस में आप दूर रहें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपको मानसिक तनाव और स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों, यश में आपको जो है काम के बीच में से आराम के लिए समय भी निकालना होगा, अन्यथा आप यश में बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, यश में आपका जो भाग्यशाली रंग रहेगा वह रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। दोस्तों, यश में आप अपने जो है निकट के व्यक्तियों और प्रिय व्यक्तियों के साथ अधिक जो है भावनाशील बनेंगे। ऑफिस से छुट्टी लेकर आप पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं घूमने भी यश में जा सकते हैं। आपके बच्चों को भी जो है यह आपका साथ जो है बहुत पसंद आएगा। गणेश जी कहते हैं कि शाम का समय जो है आपके लिए माता पिता को मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थान पर ले जाएं। इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में अपने आप को आप शांत रखने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं करें। जुनून आपके कार्यों में भी यह समय दिखाई देगा, ये गणेश जी की भविष्यवाणी है। दोस्तों, आप जो है अंदर से प्रतिस्पर्धी महसूस करेंगे। सबसे अच्छे प्रोजेक्टों को यश में आप हासिल करने की लालच जो है आपके अंदर ईर्ष्या भर देगा, जब जब किसी और को आपका कार्य सौंपा जाए। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, इन दिनों में जो है भावनात्मक नियंत्रण की कमी से आपके प्यारे जीवन के सद्भाव को खराब कर सकती है। आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि आप अपने साथी से जो है असहमत हैं तो यह जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस स्थिति को कैसे संभालें। गणेश जी का सलाह है कि इससे पहले भावनाएं आप पर हावी हो जाए, उससे पहले आप जो है अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर लें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अपनी गाड़ी बेचने की आप सोच रहे हैं तो यह योजना जो है टाल दें। ये जो दिन है आपके लिए फायदे वाला दिन नहीं होगा। आपको लगेगा कि गाड़ी बेचने से आपका नुकसान ही हुआ है। गाड़ी बेचने के लिए सही समय बस आने ही वाला है, उसका आप इंतज़ार करें। दोस्तों, इन दिनों में आप जो है काम का बहुत ज़्यादा भार लेने के मूड में नहीं होंगे। आप जो है वास्तव में अपने पूर्ण रूप में नहीं हैं। थका हुआ आप यश में महसूस कर सकते हैं। कार्यों को खत्म करने के लिए दूसरों की यश में आपको जो है सहायता लेना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए आपको जो है पूरे आराम की जरूरत हो सकती है। नहीं तो शरीर की थकावट जो है आपके मन में जो है निराशावादिता को जन्म दे सकती है। दोस्तों, यश में जो लोग जो है काफ़ी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें यश में जो है कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की जो है कई परेशानियाँ आपके दूर हो जाएंगे। पारिवारिक समारोह और जो है महत्वपूर्ण अवसरों के लिए ये जो दिन है बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपको यश में अपने पीर के दिल की बात जानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों कल जो है बहुत देर हो जाएगा। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन महंगा भी साबित होगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार के दिन खड़ी हरे मूंग का किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। नियमित रूप से सफेद गाय को हरी घास खिलाने, किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की समान दान कर देने से धन लाभ के साथ साथ घर परिवार के दोष भी दूर होते हैं। जय दोस्तों, यश में आप इन उपायों को जरूर करें। साथ ही घर की पश्चिम उत्तर दिशा में पेशे आप रखें, इनसे दोस्तों धन लाभ होगा और पेशों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, यह उपायों को यश में आप शुरू करें, बहुत ही लाभकारी उपाय हैं, आपके जीवन में भाग्योदय करने के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, इन्हें करें और साथ ही और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।